हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रतीक और स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ गूगल पिक्सल 3 के 5 कूल जेस्चर कंट्रोल फीचर जो कि प्रेजेंट है इसमें। हालांकि बहुत सारे एंड्रॉइड डिवाइसेस में बहुत सारे जेस्चर कंट्रोल्स आते हैं, बट इसमें कुछ ऐसे जेस्चर कंट्रोल्स है जो कि मुझे काफी अच्छे लगे। ओवर द टॉप नहीं है, काफी सिंपल जेस्चर कंट्रोल्स है, बट मुझे काफी हैंडी लगे, मुझे काफी यूजफुल लगे। और हो सकता है ये फीचर या फिर ये कंट्रोल्स यूज करके आपका थोड़ा बहुत टाइम जो है वो यहाँ पे बच जाए। तो क्या फीचर है, क्या जेस्चर कंट्रोल्स है, ये बताने वाला हूं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही वीडियोस फ्यूचर में भी देखने के लिए। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं आज की वीडियो में 5 जेस्चर कंट्रोल बताने वाला हूँ जो कि मुझे काफी अच्छे लगे हैं। तो सबसे पहले एक चीज मैं बताना चाहूंगा, जो लास्ट वाला यहाँ पे जेस्चर कंट्रोल होगा वो मुझे काफी ज्यादा पसंद आया है। और यूजुअली मैंने ये फीचर इतना ज्यादा किसी डिवाइसेस में देखा नहीं है। क्या है बताऊंगा वीडियो के एंड में, आप पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले जेस्चर जो है हमें यूज करने के लिए सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको नीचे स्क्रोल करके सिस्टम मिलेगा। सिस्टम ऑप्शन में जाओगे तो यहाँ पे जेस्चर्स का ऑप्शन मिल जाएगा। तो जेस्चर्स के ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो जितने भी जेस्चर्स है वो सारी लिस्ट जो है आपको यहाँ पे देखने मिल जाएंगी। तो बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले जेस्चर से, वो है स्वाइप फिंगरप्रिंट फॉर नोटिफिकेशन। अभी आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर दिख रहा है। अगर मैं कुछ स्क्रोल करता हूँ यहाँ पे आप देख सकते हो स्क्रीन जो था वही है। फिर से एक बार करता हूँ, यहाँ पे मैं स्वाइप कर रहा हूँ बट कुछ नहीं हो रहा है। पर जैसे ही मैं स्वाइप फिंगरप्रिंट के अंदर जाता हूँ और यहाँ पे ये जो टॉगल है ये ऑन कर देता हूँ मैं यहाँ पे, अभी अगर मैं इसके ऊपर स्वाइप करता हूँ तो नोटिफिकेशन पैनल जो है यहाँ से एक्सेस मैं कर सकता हूँ। तो अगर मैं एक बार स्वाइप करता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे पैनल आ चुका है। एक बार वापस दिखाता हूँ आपको, स्क्रीन देख सकते हो यहाँ पे मैंने एक बार स्वाइप किया, नोटिफिकेशन पैनल आ चुका है। और एक बार अगर स्वाइप करता हूँ तो पूरा नोटिफिकेशन पैनल मैं यहाँ पे एक्सेस कर सकता हूँ और जो भी नोटिफिकेशन मुझे सिलेक्ट करना है क्या करना है यहाँ से कर पाऊंगा। दूसरी चीज, अगर मैं पूरा नोटिफिकेशन पैनल ओपन करने के बाद अगर मुझे बंद करना है तो या तो मैं डायरेक्टली यहाँ से बंद कर सकता हूँ, बट अगर मुझे पूरा नोटिफिकेशन पैनल जो है यहाँ से डिस्प्ले से नहीं घलाना है तो यहाँ पे सिंपली मैं एक बार ऊपर स्वाइप कर दूंगा और यहाँ से नोटिफिकेशन पैनल चला जाएगा। तो आपको दिखा देता हूँ, स्वाइप कर दिया मैंने दो बार नीचे तो यहाँ पे नोटिफिकेशन पैनल ओपन हो चुका है। और एक बार मैं ऊपर स्लाइड कर दूंगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे पैनल जो है चला जाएगा। तो ये क्विक एक्सेस है, आपका थोड़ा बहुत समय जो है यहाँ पे जरूर बचाएगा। तो नेक्स्ट फीचर की ओर बढ़ते हैं जो कि है हमारा सेकंड फीचर, वो है यहाँ पे कैमरा को लेके। अभी बहुत सारे लोगों को पता है अगर एंड्रॉइड डिवाइसेस यूज कर रहे हो या फिर आईफोन यूज कर रहे हो, अगर आप लेफ्ट में स्लाइड करते हो तो आप कैमरा एक्सेस कर सकते हो। बट अगर आपको वो चीज नहीं करनी है, आपको सिंपली जल्दी से आपको अगर क्विकली कैमरा एक्सेस करना है तो सेकंड ऑप्शन आप चूज कर सकते हो क्विकली ओपन कैमरा का। अगर इस टॉगल को मैं यहाँ पे ऑन कर देता हूं तो यहाँ पे सिंपली मुझे पावर बटन जो है दो बार प्रेस करना है, प्रेस करके रखना नहीं है, सिर्फ दो बार प्रेस करना और कैमरा जो है ऑन हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, 1 2 ओके, एक साथ प्रेस करना है। दो बार मैंने प्रेस कर दिया यहाँ पे और आप देख सकते हो कैमरा जो है वहां पे ऑन हो चुका है। अभी यहाँ पे मैं होम पे चला जाता हूँ, एक बार फिर से आपको दिखा देता हूँ, दो बार पावर बटन जो है प्रेस करना है, 1 2 और यहाँ पे कैमरा जो है ऑन हो चुका है। तो ये मुझे काफी हैंडी लगा। यूजुअली स्क्रीन के ऊपर स्वाइप करने से ज्यादा अगर मैं दो बार पावर बटन दबा देता हूँ जल्दी से कैमरा एक्सेस हो सकता है। थर्ड जो पॉइंट है हमारा इसमें वो है कैमरा को ये लेके, थर्ड जेस्चर जो है वो कैमरा को लेके ही है। अभी यहाँ पे आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा, अगर मुझे स्विच करना है सेल्फी और बैक कैमरा में तो यहाँ पे मैन्युअली मैं कर सकता हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पे मुझे मैन्युअली करना पड़ रहा है, बट अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे मैन्युअली नहीं करना तो यहाँ पे सिंपली आपको थर्ड जेस्चर सिलेक्ट करना है जो कि है फ्लिप कैमरा फॉर सेल्फी। वो ऑप्शन सिलेक्ट करके अगर मैं टॉगल ऑन कर देता हूँ यहाँ पे, तो अभी आपको एक कूल चीज दिखाता हूँ। यहाँ पे पहले कैमरा ऑन करेंगे पावर बटन प्रेस करके, कैमरा ऑन हो चुका है। अभी मुझे मैन्युअली करने की जरूरत नहीं है, मैन्युअली तो मैं यहाँ से कर पाऊंगा कभी भी, बट मुझे डायरेक्टली स्विच करना है सेल्फी कैमरा में तो मैं फोन को जो है दो बार ट्विस्ट करूंगा, 1 2 और यहाँ पे जो है सेल्फी कैमरा ऑन हो चुका है। अभी आप देख सकते हो 1 2 दो बार वापस ट्विस्ट करेंगे, बैक कैमरा में ये जो है स्विच हो चुका है। तो ये भी एक काफी कूल फीचर लगा मुझे यहाँ पे पिक्सल 3 में। तो ये था हमारा थर्ड फीचर आज के लिए। अब बात करूंगा मैं यहाँ पे आज के चौथे फीचर की या फिर फोर्थ फीचर की पिक्सल 3 के बारे में, जो कि है यहाँ पे लिफ्ट टू चेक फोन। अगर मैं इसे ऑन करता हूँ, अभी देख सकते हो आप ये ऑन ही है, ये ऑफ होगा बेसिकली पहले। अगर मैं इसे ऑन करता हूँ तो यूजुअली क्या होता है टाइम चेक करने के लिए एंड्रॉइड डिवाइसेस में अगर आप डबल टैप करते हो स्क्रीन के ऊपर तो आपको टाइम पता चल जाएगा या फिर डिस्प्ले जो है टर्न ऑन हो जाएगा।
आपको डबल टैप करने की जरूरत नहीं है अगर ये फीचर ऑन है यहाँ पे। तो इसमें क्या है, लिफ्ट टू चेक फोन का जो है टॉगल आपको ऑन करना है। डिवाइस को मैंने यहाँ पे लॉक करके रख दिया है अभी टेबल के ऊपर। जैसे ही मैं डिवाइस को उठाता हूँ यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे डिस्प्ले जो है ऑन हो चुका है। मैंने कोई भी बटन यहाँ पे प्रेस नहीं किया है। फिर से एक बार मैं ऑफ कर देता हूँ यहाँ पे डिवाइस को। जैसे ही मैं डिवाइस को उठाता हूँ यहाँ पे आप देख सकते हो डिस्प्ले ऑन हो जाएगा। तो ये भी एक काफी अच्छा फीचर है मैं कहूंगा। टाइम बचा देगा आपका, बस आपको डिवाइस उठा के चेक करना और अपने आप टर्न ऑन हो जाएगा और टाइम आप देख सकते हो या फिर कोई भी नोटिफिकेशन आया हो तो आप चेक कर पाओगे। तो चार फीचर तो हो गए आज के लिए और बढ़ते हैं हमारे आखिरी फीचर की ओर जो कि मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद आया है पिक्सेल 3 के अंदर, जो है एक्टिव एज। तो अभी आप देख सकते हो एक्टिव एज यहाँ पे ये टॉगल ऑन है। अगर मैं इसे ऑफ करता हूं तो आप अगर फर्स्ट टाइम ऑफ ऑन करने वाले होंगे तो आप कुछ ऐसा ही होगा स्क्रीन। स्क्वीज फॉर योर असिस्टेंट, ये फीचर आपको यहाँ पे देखने मिलेगा एक्टिव एज के अंदर। इसे अगर आप ऑन करते हो यहाँ पे तो यहाँ पे आपको बेसिकली क्या करना है, आपके डिवाइस को जो है आपको बॉटम साइड पे यहाँ पे स्क्वीज कर देना है और यहाँ पे गूगल असिस्टेंट जो है यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा। तो सेंसिटिविटी जो है आप यहाँ पे सेट कर सकते हो, यहाँ पे आपको स्केल मिल जाएगा आपको कितना सेंसिटिविटी रखना है वो आप सेट कर पाओगे। अभी आपको फीचर मैंने टर्न ऑन करके दिखा दिया है, अभी यूज करके दिखाता हूँ। यहाँ पे बॉटम में स्क्वीज करना है आपको, सिंपली स्क्वीज करते ही यहाँ पे असिस्टेंट जो है गूगल असिस्टेंट वो एक्टिवेट हो जाएगा। और यहाँ पे ये मैं जो भी बोल रहा हूँ ये गूगल असिस्टेंट पढ़ रही है तो बंद कर देंगे इसको। तो यही कूल फीचर है जो कि मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। अभी आप इसे बहुत सारे चीजों में यूज कर सकते हो, पावर बटन के साथ भी यूज कर सकते हो, बहुत एंड्रॉइड डिवाइस के साथ अगर आप पावर बटन प्रेस करके रखते हो तो भी ऑन हो जाएगा, जो कि फीचर इसके अंदर भी है। बट ये स्क्वीज वाला फीचर जो है मुझे काफी अच्छा लगा, एक बार फिर से दिखा देता हूँ। स्क्वीज करना है और अभी आप देख सकते हो स्क्वीज करने के बाद यहाँ पे बॉटम में बस सारी चीजें वो जो भी बोल रहा वो वहां पे दिखा रहा है। तो गूगल असिस्टेंट को आप एक्टिवेट कर दोगे। तो ये थे 5 कूल फीचर मेरे हिसाब से, जो काफी सिंपल है, काफी नॉर्मल है, बट डेफिनेटली आपका टाइम यहाँ पे बहुत ज्यादा सेव कर सकते हैं या फिर इजीली एक्सेस कर सकते हो आप किसी भी चीज को इन 5 फीचर्स के साथ। तो कुछ एडिशनल फीचर्स जो एंड्रॉइड डिवाइसेस में होते हैं वो इसके अंदर भी है, आपको दिखा देता हूं। यहाँ पे 5 जेस्चर कंट्रोल तो मैंने आपको बता दिया जो मुझे पसंद है, बाकी के फीचर भी बता देता हूँ। यहाँ पे 1-handed मोड का भी ऑप्शन है, आपको अगर ये टॉगल मैं ऑन कर देता हूँ तो आप यूजुअली एक हाथ से डिवाइस जो है यूज कर सकते हो। आपको यहाँ पे बॉटम का जो एरिया है आपको ऊपर से नीचे स्क्रॉल कर देना है और ये स्क्रीन जो है हाफ में डिवाइड हो जाएगी। आपको दिखा देता हूँ, ये देख सकते हो आप स्क्रीन जो है हाफ में आई है और अभी जो है 1-handed यूज में यहाँ पे कर सकता हूँ। अगर मुझे फुल करना है तो मैं ऊपर के साइड स्लाइड कर दूंगा, अपने आप फुल हो जाएगा। आपको जो बॉटम एरिया है वही पे बस ऊपर से नीचे स्क्रॉल कर देना है और ये जो है हाफ में हो जाएगा, मतलब स्क्रीन जो है हाफ में आ जाएगा और एक हाथ से आप यूज कर पाओगे। तो ये था 1-handed फीचर, अगर आपको एक्टिवेट करना होगा तो आप कर सकते हो। सेकंड फीचर जो है यहाँ पे वो है डबल टैप टू चेक योर फोन। तो इसमें कुछ नहीं, आप अगर टॉगल ऑन करते हो डबल टैप चेक करने वाला, मैं डिवाइस को लॉक करता हूँ, अगर डबल टैप करता हूँ स्क्रीन के ऊपर तो डिस्प्ले ऑन हो जाएगा, जो कि काफी एंड्रॉइड डिवाइसेस में ये फीचर ऑलरेडी होता है बट इसके अंदर भी है, मिल जाएगा आपको। आपको ये फीचर यूज करना होगा लिफ्ट टू चेक फोन के अलावा तो आप ये फीचर यूज कर सकते हो, हालांकि मुझे लिफ्ट टू चेक फोन वाला ही ऑप्शन ज्यादा पसंद है। नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे फ्लिप टू, ये यही पे दिया गया है, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो इसमें क्या है, अगर ये टॉगल आप ऑन करते हो तो जैसे ही आप डिवाइस को बैक पे रख देते हो या फिर स्क्रीन साइड जो है टेबल के यहाँ पे रख देते हो, आप फ्लिप करके रख दोगे डिवाइस को तो डू नॉट डिस्टर्ब मोड जो है वो यहाँ पे ऑन हो जाएगा। ये फीचर इस डिवाइस में कभी कभी एक्टिवेट होता है, मुझे पता नहीं डिवाइस का इश्यू है या क्या है, बट अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ अभी वाइब्रेट हो जाएगा, जैसे ही डू नॉट डिस्टर्ब एक्टिवेट होता है डिस्प्ले जो है या फिर डिवाइस जो है वाइब्रेट होगा। और अभी मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे डू नॉट डिस्टर्ब मोड जो है ऑन हो चुका है, पहले दिखाया था तभी ऑन नहीं था। तो ये फीचर भी हैंडी है, अगर आपको यूज करना होगा तो आप कर सकते हो, काफी अच्छा फीचर है। इसके अलावा आपको डिवाइस के अंदर यहाँ पे प्रेस एंड होल्ड पावर बटन का एक फीचर देखने मिल जाएगा, जो कि मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, अगर आप पावर बटन प्रेस करके रखते हो गूगल असिस्टेंट यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा। बस कर, इतना भी मेरी बातें मत सुन, हम आपके दिल में रहते हैं, मत रहना भाई। तो दोस्तों यही कुछ बेसिक जेस्चर्स है, मैं कहूंगा कुछ कूल जेस्चर्स है पिक्सल 3 में जिसे आप एक्सेस कर सकते हो। आई होप बहुत से लोगों को ये पता होगा ऑलरेडी, बट जिन्हें नहीं पता है और जो पिक्सल 3 यूज करते हो तो ये फीचर यूज करना स्टार्ट कीजिए, आपका टाइम जो है थोड़ा बहुत जरूर यहाँ पे सेव हो जाएगा। तो बस दोस्तों यही था आज की इस वीडियो में। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, शेयर कर देना, जिनके पास पिक्सल 3 है आपके दोस्त है उनके साथ ये वीडियो शेयर कर देना। अगर आपके कुछ भी सुझाव है, सवाल है, आप कमेंट सेक्शन में नीचे मेंशन कर सकते हो।
और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो मैं आप सभी से मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।